देखिए, फर्स्ट रेशे तो नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं हम उसको फोकस कर रहे हैं, वेदर हमारे हाथ में नहीं है। और जहाँ तक हम देख रहे थे यहाँ पे 4 दिन बारिश है, लेकिन जिस तरह सूरज निकला हुआ लगता नहीं है कि बारिश होगी। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितने दिन हमें मिले हम उसको यूटिलाइज करें, और ट्रेनिंग का जिसे थ्रू आउट हम तकरीबन 2.5 मंथ से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी ट्रेनिंग सेशन मिले उसको यूटिलाइज किया जाए। और मेन चीज़ है कि थोड़ा सा लुक आफ्टर भी किया जाए जाए प्लेस का, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हैं, ट्रैवलिंग है, और क्रिकेट भी ज़्यादा खेल रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना लड़कों को रिलैक्स किया जाए, रिलैक्स रखा जाए, उतना टीम के लिए अच्छा। बाबर, आपने खुद बोला भी कि आपकी टीम लगातार खेल भी रही है, ट्रैवल भी कर रही है, इंडिया खेल नहीं रहा, तो आपको ज्यादा एडवांटेज है या इंडिया को ज्यादा एडवांटेज ये तो मेरे ख्याल से ऑन द डे पता लगेगा किसको ज़्यादा है? एडवांटेज। आप ट्रैवल भी बहुत कर रहे हो, खेल बहुत कर रहे हो। देखें, जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको इतना फील नहीं होता जब आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। आई नो, हमें मैं हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं काफ़ी बारी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि ये हमें पता था कि हमने इस तरह चलना है, इस तरह ट्रैवलिंग होगी, प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं बैक टू बैक, तो मेरे ख्याल से लुक आफ्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। तो हमने उनको बहुत अच्छा लुक आफ्टर किया है, उनको ज़रा फ्रीली और उनको कॉन्फिडेंस दिया है, उनका लुक आफ्टर बड़े अच्छे तरीके से किया है, ट्रीटमेंट्स, ऑल द थिंग्स, ट्रैवलिंग हमने कैसे करनी है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एज भी है, क्योंकि हम बैक टू बैक क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 मंथ हो गए हमें इधर श्रीलंका में। हमने टेस्ट मैच भी खेला, फिर अफगानिस्तान सीरीज, LPL, फिर एशिया कप, तो कह सकते हैं कि एडवांटेज हो सकता है। मगर हमारे पास सुबह जो तीन फास्ट बॉलर है, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हमने एक दो मैच की स्पेशली इंडिया के खिलाफ भी हो चुके हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया में भी और अब यहाँ पर हुआ, ऊपर से हम मूव कर लेते हैं, मगर मिडल में आकर थोड़ा सा टीम पे रह जाता है। आपको लगता है कि हम दो स्पिनर्स की जो ऑलराउंडर ऑप्शन में जाते हैं, शायद इंडिया के खिलाफ इस ऑप्शन की बजाय फास्ट बॉलिंग ऑप्शन की तरफ? देखें, स्टार्ट काफ़ी अच्छा होता है, और हम कोशिश करते हैं कि मिडल ओवर्स को भी यूटिलाइज किया जाए। इसलिए हमने लास्ट मैच में डिफरेंट प्लानिंग के साथ आए थे, हमने फास्ट बॉलर आराउंडर को अपॉर्चुनिटी दी। देखें, अभी कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट कम्बिनेशन से टीम को खिलाएं कि क्या, हाँ, किस चीज़ में हमें शूट कर रही है। मिडल ओवर्स में हमें ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे ख्याल से वह हमें मिल नहीं रही। लेकिन आप देखें कि जितने भी मैचेस हैं कि फिनिश बहुत अच्छा कर रहे हैं हम एंड के ओवर्स, और एंड में जो हमारे फास्ट बॉलर जी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और स्टार्ट में भी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये टीम परफॉर्मेंस होती है और टीम टुगेदर खेलते हैं। ये नहीं कि ऊपर वाले करेंगे तो नीचे आके मिडिल ओवर्स में, जिस तरह देखें इफ्तिखार ने लास्ट मैच में आखिरी कोई 30 ओवरों के बाद उसको बॉलिंग मिली, लेकिन उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो उन्होंने वहाँ पर स्ट्रिक किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं, और एज अ टीम हम कोशिश करते हैं कि जितना प्लेयर्स को यूटिलाइज किया जाए अच्छा। बाबर, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, आप जब तीन खास तौर पर प्लेयर्स को अपने देखते हो, नवाज का हम जिक्र कर रहे हैं, फहीम का जिक्र कर रहे हैं और उसामा का जिक्र कर रहे हैं, हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि इन तीनों के बीच जो है टीम पाकिस्तान जो है अपने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप काफी कॉन्फिडेंस देते हो, टेस्ट में भी हमने देखा था, चाहे साउद हो चाहे अब्दुल्ला हो, आपने कॉन्फिडेंस दिया, दोनों ने डबल सेंचुरी लगाई। यहाँ पर आप किस तरीके से देखते हो कि आपको एक बड़ा कॉल लेना है बिफोर द वर्ल्ड कप में, सिर्फ एशिया कप की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या ये कॉम्बिनेशन चुनना पाकिस्तान की एक लास्ट, जिसे कहते हैं कि भाई उलझन है जिसको अगर सुलझा लिया जाए तो यू आर रेडी विद द परफेक्ट कॉम्बिनेशन? बाबर, देखिए, हम कोशिश करते हैं अपने ऑप्शन ओपन रखें। जितने भी जो टीम अनाउंस की है वो हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, और हम कोशिश करते हैं कि सिचुएशन और कंडीशंस के हिसाब से टीम सेलेक्ट की जाए। ये नहीं है कि हम किसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि किस प्लेयर को खिलाना है या किस कम्बिनेशन के साथ जाना। मैं क्लियर होता हूँ और मैनेजमेंट भी क्लियर होती है, और हमें पता है कि हमने किस कम्बिनेशन और किस टीम के अगेंस्ट किस तरह जाना है। और हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस है, और ये नहीं है किसी के भी
प्लेयर में डाउट आया कि यार पता नहीं क्या होगा, यहाँ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इस चीज़ पे हम निकल चुके हैं और इस चीज़ को हम पीछे छोड़ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि मैचेस कैसे जीतने हैं, टूर्नामेंट्स कैसे जीतने हैं और इकट्ठा कैसे रहना और टीम को जिताना कैसे, ये मैटर करता है मेरे लिए। थैंक यू ऑल द बेस्ट बाबर। जज़ाकअल्लाह बाबर। एशिया कप में पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, दुनिया की तमाम बड़ी टीमें अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स का ऐलान कर चुकी हैं। सुनने में आ रहा है कि कप्तान का फैसला है कि मेरे लड़के अगर एक दो बाय होंगे तो उनका दिल टूटेगा, इसलिए एशिया कप मुकम्मल करके वर्ल्ड कप की 15 टीम दी जाएगी। नहीं ऐसा तो नहीं है, हम देख रहे हैं कि एशिया कप में और क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने डिसाइड कर लिया कि किस हमने 15 या 18 के साथ जाना, लेकिन थोड़ा सा हम और देख रहे हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है हमारे लिए। देखें दिल टूटना नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है कि किसके हक में आती है, मेरा फैसला नहीं, ऊपर से फैसले होते हैं।